मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन होने के बाद रविवार को पहली बार अयोध्या पहुंचे। अयोध्या में करीब 4 घंटे के दौरे में सीएम योगी ने आरोग्य मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों का अन्नप्राशन भी करवाया। अयोध्या पहुंचे सीएम योगी ने संबोधन में कहा कि भव्य राम मंदिर का निर्माण ये पीढ़ी देखेगी। हम सबको भगवान राम के आदर्शों पर चलना चाहिए। मंदिर निर्माण से यूपी में राम राज्य आएगा। संवैधानिक संस्थाओं पर हमें भरोसा होना चाहिए, लेकिन मर्यादा उल्लंघन नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी बिना भेदभाव काम कर रहे हैं। रविवार को सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या के दौरे पर रहे। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ बैकुंठ महोत्सव कार्यक्रम में शरीक भी हुए। तो अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि मोदी जी ने जो कहा वो किया, चाहे वो कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का काम हो, या फिर 3 तलाक की प्रथा को प्रतिबंधित करना हो, या फिर देश के अंदर नागरिकता कानून में संशोधन करके दुनिया के पीड़ितों को शरण देने की पारदर्शी व्यवस्था बनाने का हो। अयोध्या के राम मंदिर निर्माण का फैसला भी मोदी सरकार के कार्यकाल में आया है। इस दौरान सीएम योगी ने अयोध्या वासियों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह का अभिनंदन भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को देश के साथ मन की बात की। ये मन की बात का 62वां शो था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में हुनर हाट, अंतरिक्ष और कॉप कन्वेंशन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हुनर हाट में भाग लेने वाले कारीगरों में 50% से अधिक महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो देश फिट है वही हिट है। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने मुरादाबाद के दिव्यांग सलमान की तारीफ की। मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सलमान दिव्यांग जरूर है, फिर भी उसने हार नहीं मानी। दिव्यांग सलमान ने सीमित संसाधनों के साथ ही टारगेट कंपनी खोली और करीब 35 दिव्यांगों को रोजगार भी दिया, जिसमें वॉशिंग पाउडर और चप्पलें बनाई जाती हैं, जिन्हें कंपनी में काम करने वाले दिव्यांग ही गांव गांव जाकर सप्लाई भी करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों के हिरासत में रखे जाने के मुद्दे पर टिप्पणी की है। सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की रिहाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने उम्मीद जताई है कि रिहा होने के बाद तीनों पूर्व सीएम कश्मीर के हालात को सामान्य बनाने और विकास करने में योगदान देंगे। वीएचपी उपाध्यक्ष चंपत राय को राम जन्मभूमि ट्रस्ट का महासचिव बनाए जाने का निर्मोही अखाड़े के महंत धर्मदास ने विरोध किया है। महंत धर्मदास ने चंपत राय एंड कंपनी को लुटेरा बताते हुए कहा है कि इन्हें इनके रहते मंदिर निर्माण अच्छे से नहीं हो सकता। महंत धर्मदास ने इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट में नृत्य गोपाल दास को मुखौटे के रूप में रखा गया है। सारी पावर चंपत राय और उनके चेलों के हाथ में है। झांसी पहुंचे राम मंदिर के ट्रस्टी महंत नृत्य गोपाल दास ने राम मंदिर को लेकर बड़ा बयान दिया है। नृत्य गोपाल दास ने कहा है कि राम मंदिर निर्माण के लिए सरकार से कोई फंड नहीं लिया जाएगा। जब निर्माण शुरू होगा तो देश विदेश से अपने आप फंड आएंगे। वहीं सवालों का जवाब देते हुए महंत ने कहा कि राम मंदिर की भूमि पूजन तो पहले ही हो चुकी है, 15 से 20 दिनों में निर्माण का कार्य भी शुरू हो जाएगा। नागरिकता कानून को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच अलीगढ़ में माहौल बिगड़ गया। जमकर पत्थरबाजी की गई, फायरिंग हुई और आगजनी की घटना भी हुई। कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं तो एक युवक को गोली लगने से युवक भी घायल हुआ है। स्थिति को सामान्य बनाने के लिए खुद डीएम और एसएसपी मौके पर पहुंचे। हजारों की तादाद में महिलाओं ने इकट्ठा होकर कोतवाली का घेराव किया था। इस दौरान पुलिस की कई गाड़ियां तोड़ी भी गई। पुलिस की तरफ से भी आंसू गैस के गोले छोड़े गए। फिलहाल हालात को नियंत्रण में करने के लिए रात 12 बजे तक के लिए जिले में इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई। सीए और एनआरसी के खिलाफ शाहीन बाग के बाद जाफराबाद और चांदबाग में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। जाफराबाद में कल रात से महिलाएं सड़क पर धरने पर बैठ गई हैं। सुरक्षा के मद्देनजर जाफराबाद मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। मेट्रो स्टेशन के नीचे ही मुस्लिम महिलाएं विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। विरोध प्रदर्शन को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। जाफराबाद और चांदबाग में भारी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतरे हैं।
नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के विरोध में जाफराबाद मुख्य सड़क पर चल रहे प्रदर्शन को लेकर भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जाफराबाद में अब स्टेज बनाया जा रहा है, एक और इलाका है जहां अब भारत का कानून चलना बंद हो गया है। कपिल ने आगे लिखा है कि सही कहा था मोदी जी ने, शाहीन बाग एक प्रयोग था। उन्होंने लिखा कि एक एक करके सड़कों, गलियों, बाजारों, मोहल्लों को खोने के लिए तैयार रहिए, चुप रहिए जब तक आपके दरवाजे तक ना पहुंच जाए ये लोग। शाहीनबाग के बाद जाफराबाद में विरोध प्रदर्शन के जवाब में बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और उनके समर्थक सड़क पर उतर आए हैं। इन लोगों ने जाफराबाद और चांदबाग में सड़कें खुलवाने की मांग करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ लोगों ने कपिल मिश्रा और उनके समर्थकों पर पथराव भी किया। इसके जवाब में कपिल मिश्रा के समर्थकों ने पथराव करने वाले का पीछा किया और पथराव की जवाबी कार्रवाई भी की। मौजपुर चौराहे के पास पथराव का यह सिलसिला करीब आधे घंटे चलता रहा। आज शाहीन बाग में प्रदर्शन का 71वां दिन है। आज भी वार्ताकार शाहीन बाग जाकर प्रदर्शनकारियों से मुलाकात कर सकते हैं। वार्ताकार के साथ लगातार चार दौरे की बातचीत फेल रही है। हालांकि 70 दिन बाद प्रदर्शनकारियों ने नोएडा फरीदाबाद जाने वाला एक रास्ता खोल दिया है। इस रास्ते पर सिर्फ छोटी गाड़ियां ही जा सकती हैं, पर कालिंदी कुंज से जामिया जाने वाला मुख्य रास्ता अभी भी बंद है। दिल्ली के शाहीन बाग में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ 2 महीने से ज्यादा वक्त से विरोध प्रदर्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से नियुक्त वार्ताकार हबीबुल्ला ने सड़क बंद होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। हलफनामे में कहा गया है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है, पुलिस ने 5 जगहों पर रोड ब्लॉक किया है, अगर ब्लॉकिंग रोक दी जाती है तो ट्रैफिक सामान्य तरीके से चलने लगता है। हलफनामे में कहा गया है कि पुलिस ने बेवजह रास्ता बंद किया है जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आज भारत बंद बुलाया। भीम आर्मी ने भारत बंद नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने और मौलिक अधिकार के लिए यह बुलाया गया था। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि शांतिपूर्ण ढंग से भारत बंद करवाएं, बीजेपी के लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे लेकिन किसी भी प्रकार के उकसावे में ना आए। उन्होंने ट्वीट किया, मेरी पूरे बहुजन समाज से अपील है कि नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाना हमारा मौलिक अधिकार है, इसलिए शांतिपूर्ण ढंग से भारत बंद करवाएं, किसी भी अप्रिय घटना से बचे, भाजपा के लोग आपको उकसाने की कोशिश करेंगे, किसी भी प्रकार के उकसावे में ना आए। भीम आर्मी के भारत बंद का असर उन्नाव में देखने को मिला। उन्नाव के भीमराव अंबेडकर पार्क सदर इलाके में लोगों ने सरकारी नौकरी में आरक्षण समाप्त करने और सीए, एनआरसी, एनपीआर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल पदोन्नति में आरक्षण खत्म किए जाने और सीए के विरोध में भीम आर्मी ने आज भारत बंद का ऐलान किया है। जिले के अंदर भारी पुलिस बल तैनात है, तो वहीं पुलिस ने भीम आर्मी को चेतावनी दी है कि जबरन दुकानें बंद कराने की कोशिश की गई तो कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर में भी भीम आर्मी का भारत बंद का असर देखने को मिला है। दरअसल प्रमोशन में आरक्षण खत्म किए जाने और सीए के विरोध में भीम आर्मी ने आज भारत बंद का ऐलान किया। जिले के अंदर भारी पुलिस बल तैनात है। भीम आर्मी के आह्वान पर अमरोहा में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। सीए और प्रमोशन में आरक्षण को बहाल करने की मांग को लेकर विरोध जताया गया, साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इस दौरान शहर में रैली निकालने को लेकर भी कार्यकर्ता और प्रशासन आमने सामने रहा, रैली निकालने की इजाजत प्रशासन ने नहीं दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने 2 दिवसीय दौरे पर कल भारत आ रहे हैं। अपनी इस यात्रा के दौरान वो 3 शहरों का दौरा करेंगे। ट्रंप सोमवार को दोपहर करीब 12 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के लंबे रोड शो का कार्यक्रम है। लगभग आधे घंटे के रोड शो के दौरान सुरक्षा की कमान अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी संभालेगी। ट्रंप ताजमहल का दीदार भी करेंगे। अपनी यात्रा के अंतिम चरण में डोनाल्ड ट्रंप दिल्ली आएंगे। उनके दौरे को देखते हुए अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं ट्रंप के लिए विशेष पकवान भी बनवाए जा रहे हैं। आगरा में शाहगंज इलाके के थाना शाहगंज के सराय ख्वाजा चौकी को ध्वस्त किया गया है। ये चौकी 19 साल पहले की बताई जा रही है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 24 फरवरी को ताज का दीदार करने के लिए आगरा पहुंच रहे हैं, जिसके चलते इस चौकी को हटाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के काफिले के मद्देनजर खेरिया मोड़ चौराहे को साफ किया गया है।
तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कल भारत आ रहे हैं। कल ट्रंप अपनी पत्नी के साथ ताजमहल का दीदार करेंगे। तो वहीं आगरा के मेयर नवीन जैन डोनाल्ड ट्रंप को ताजमहल की छवि वाली चांदी की चाबी भेंट करेंगे। 12 इंच की चांदी की चाबी कल आगरा पहुंच जाएगी। दरअसल प्रतीकात्मक तौर पर मेयर किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष को चाबी भेंट करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत दौरे को लेकर काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। अहमदाबाद और आगरा में जोर शोर से ट्रंप के स्वागत की तैयारियां की जा रही हैं। ट्रंप के साथ उनकी पत्नी बेटी और दामाद भी भारत आएंगे। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का सुपरहिट फिल्म बाहुबली के अवतार में एक वीडियो इंटरनेट पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में फोटोशॉप का इस्तेमाल करके ट्रंप के चेहरे का इस्तेमाल बाहुबली के चेहरे की जगह किया गया है। हालांकि खास बात यह है कि ट्रंप ने इस वीडियो पर रिएक्ट किया। उन्होंने इस वीडियो को अपने ट्विटर हैंडल से शेयर भी किया। उन्होंने वीडियो को शेयर करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा, भारत में अपने दोस्तों से मिलने के लिए काफी उत्सुक हूं। डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट पर लोग खूब रिएक्शन दे रहे हैं। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दौरे को लेकर सवाल खड़े किए हैं। पूछा है कि ट्रंप के दौरे से देश को क्या फायदा होगा। हरिद्वार के दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हवाई निरीक्षण कर कुंभ कार्यों का जायजा लिया है। हरिद्वार में कुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। अगले साल हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया जाएगा। देहरादून के नथनपुर इलाके के राजराजेश्वरी विहार में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे। सीएम रावत ने वहां पहुंचकर कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सीएम रावत ने भूमि पूजन कर सामुदायिक भवन का शिलान्यास करने के साथ ही कई नलकूपों का लोकार्पण भी किया। वहीं इस मौके पर सीएम त्रिवेंद्र ने कहा कि उनकी कोशिश की है कि प्रदेश में विकास कार्यों में तेजी आए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत शहीद चित्रेश बिष्ट के घर परिजनों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। शहीद की पहली पुण्यतिथि के पर सीएम उनके परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे। वहां पहुंचकर सीएम ने शोक संवेदना व्यक्त की, साथ ही परिवार को मदद का आश्वासन भी दिया। पर्यावरण और शहीदों के सम्मान में प्रोफेसर सानंद सिंह की ओर से पदयात्रा का शुभारंभ किया गया है। इस पदयात्रा की शुरुआत रेतीपुर गांव से शुरू होकर सुहवल थाना इलाके के शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद कर्नल मुनीन्द्र नाथ राय के गांव पहुंची, जहां पर शहीद कर्नल एमएन राय के परिवार को सम्मानित किया गया। हल्द्वानी के कुमाऊं में राज्य सरकार को खनन राजस्व देने वाली सबसे बड़ी गोला नदी में भले ही सरकार ने खनन चुगान की अनुमति बढ़ा दी है, खनन माफिया नदियों से अवैध खनन कर क्रेशर बेचते हैं, लेकिन अब इस पर खनन विभाग सख्ती दिखाई दे रहा है। जिला खनन अधिकारी रवि नेगी का कहना है कि अब प्रशासन की ओर से अवैध खनन पर FIR का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उत्तराखंड में चिकन के कारोबारियों के लिए अब रोजी रोटी का संकट पैदा होने वाला है, क्योंकि सभी जिलों में चिकन काटने पर प्रशासन ने बैन लगा दिया है और दूसरे राज्यों से चिकन लेकर बेचने के लिए कहा जा रहा है, जिससे कि कारोबारी खासे नाराज नजर आ रहे हैं और उन्हें अपनी रोजी रोटी का संकट सताने लगा है। दरअसल देहरादून सहित उत्तराखंड में चिकन बेचने वालों के लिए जिलाधिकारियों ने एक अभियान चलाया, जिसमें चिकन बेचने वालों के चालान किए जा रहे हैं और उनसे साफ तौर पर कहा गया है कि वो चिकन स्लॉटर हाउस में काट कर लाएं, तभी बेच सकते हैं। IIT रुड़की की PhD छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी यूपी के बागपत का रहने वाला बताया जा रहा है। बीते दिन PhD की छात्रा ने अपने सहपाठी पर छेड़छाड़ और 2 साल से उसे परेशान करने का आरोप लगाया था। फिलहाल पुलिस CCTV कैमरे के आधार पर जांच और कर रही है। IIT के छात्रों से पूछताछ भी की जा रही है। उत्तराखंड में पेयजल निगम और जल संस्थान के एकीकरण पर लंबे समय से चली आ रही कसरत अब कमेटी पर आकर टिक गई है। दरअसल जल संस्थान और पेयजल निगम के एकीकरण पर कुछ मामलों को लेकर कर्मचारियों में आपस में ही विरोध है। इसके साथ ही कैबिनेट के सदस्य भी एकीकरण की कुछ शर्तों को लेकर एकमत नहीं थे। उधर पेयजल निगम के घाटे में होने के चलते यहां तनख्वाह और पेंशन के लाले भी पड़े हुए हैं। देश में बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। झांसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इलाइट चौराहे पर सब्जी और गैस सिलेंडर लेकर प्रदर्शन किया, साथ ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। कांग्रेस का कहना है कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग अब जीना नहीं चाहते।
बदायूं के अलापुर कस्बे के एक भाजपा नेता की दबंगई का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि कस्बे की एक लड़की स्कूल से लौट रही थी, तभी बीजेपी के नेता के बेटे ने उस लड़की के साथ छेड़छाड़ की। इस पर लड़की के पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी। जब इसके बारे में बीजेपी नेता ने सुना तो वो भी थाने पहुंच गए और हंगामा खड़ा कर दिया। नेता ने लड़की के पिता और उसके परिवार वालों को थाने में ही खड़े होकर गाली गलौज की। इस दौरान लोगों ने नेता की दबंगई का वीडियो बनाया जो अब वायरल हो रहा है। वहीं पीड़िता के पिता का आरोप है कि मामले में उनसे जबरन समझौता लिखवाया गया है। यूपी के बलरामपुर जिले में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। यहां चल रहे 238 मदरसों में 71 मदरसे जांच में फर्जी पाए गए हैं। फर्जी मदरसों ने बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, रखरखाव और भवन के लिए अच्छी खासी रकम भी सरकारी विभागों से अनुदान के तौर पर ले रखी है। निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण के निर्देश पर जिलाधिकारी ने टीम गठित कर मदरसों का निरीक्षण किया तो कुछ मदरसे धरातल पर मिले ही नहीं। मुरादाबाद में पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी ने प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री पर तीखा वार किया है। पूर्व राज्यपाल ने कहा है कि सीए वापस होकर रहेगा। दरअसल व्हीलचेयर पर बैठकर सीए के खिलाफ चल रहे धरने को संबोधित करने ईदगाह मैदान पर पहुंचे यूपी और उत्तराखंड के पूर्व राज्यपाल ने कहा कि इतिहास गवाह है कि जब भी जनता सड़कों पर उतरी है तब तक सरकार को छुटना पड़ा है। यूपी का सोनभद्र इन दिनों सोने की खदान को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने शनिवार को खदान में 3000 टन नहीं बल्कि सिर्फ 160 किलो सोना होने का दावा किया है। गोरखपुर में डॉक्टर कफील खान के मामा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर रात बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी विवाद में यह हत्या की गई है। राजघाट इलाके के अलहदादपुर में ये वारदात हुई है। मृतक नुसरतुल्लाह अपने वकील के यहां कैरम खेलने के बाद रात को घर लौट रहे थे। घर के पास पहले से खड़े युवक के कंधे पर हाथ रखकर मकबरे के गेट के अंदर ले गए। उसी दौरान बदमाश ने तमंचा निकालकर उनकी मंशा जैसे उन्होंने भापी वो भागने लगे, लेकिन बदमाशों ने उन्हें दौड़ाकर सिर पर उनके गोली मार दी, जिसके बाद वो मौके पर ही उनकी मौत हो गई। ट्रंप के भारत दौरे को लेकर विपक्षी पार्टियां लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर ट्रंप के दौरे पर होने वाले खर्च पर सवाल खड़े किए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम ने भी प्रियंका के इस ट्वीट पर पलटवार किया है। आजमगढ़ पुलिस का एक कारनामा सामने आया है। यहां की पुलिस ने एक घायल युवक पर ही केस दर्ज कर दिया है, जिससे कि नाराज होकर लोगों ने पुलिस पर फर्जी मुकदमे का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया है। वहीं इस मामले पर सियासत भी शुरू हो गई है। जमीन विवाद को लेकर दबंगों ने गोलीबारी की थी, जिसमें एक शख्स घायल हुआ था, जिसमें पुलिस ने उल्टा पीड़ित पर ही केस दर्ज कर लिया। झांसी में जिला पूर्ति विभाग ने डेली गांव में छापा मारा है। छापेमारी में भारी मात्रा में गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं। जानकारी के मुताबिक यहां नए सिलेंडर में से गैस निकालकर गाड़ियों में भरी जाती थी और उसके बाद नई सील लगा दी जाती थी। मौके से कई सील भी बरामद हुए हैं। वहीं आरोपी मौके से फरार है। लखीमपुर खीरी सभासद और क्लर्क के बीच हुई मारपीट का मामला तूल पकड़ने लगा है। इस घटना से नाराज पालिका कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। इससे न तो शहर की सफाई हो सकी है और न ही नगर पालिका के ताले खुले हैं। सफाई नहीं होने के कारण सड़कों पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। सभासद सौरभ सिंह को गिरफ्तार किए जाने की मांग लगातार की जा रही है। कानपुर में वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा कर रहे निर्माण को रोकने पहुंचे बीजेपी महापौर प्रमिला पांडे के बेटे अनुराग पर बिल्डर और उसके बेटे समेत कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में अनुराग बाल बाल बच गए। पुलिस ने बिल्डर और उसके बेटे समेत चार लोगों पर हत्या के प्रयास समेत अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। रामपुर के थाना स्वार में एक महिला ने अपने पति के फरार होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। पति के साथ वो दिल्ली में रहती थी, लेकिन एक दिन अचानक उसका पति फरार हो गया और वो उसकी तलाश में रामपुर तक आ पहुंची। पुलिस जब रामपुर में साजिद के घर पहुंची तो वो वहां भी नहीं मिला। अब महिला इंसाफ की मांग कर रही है, क्योंकि उसके सामने अब रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया। बदायूं के वजीरगंज इलाके सैदपुर में मौसेरे भाई ने मोहम्मद शान की हत्या कर उसके शव को जंगल में नाले के पास फेंक दिया। दरअसल मोहम्मद शान की अमीरी को देखकर मौसेरे भाई
मौसेरा भाई जो है उससे नफरत करने लगा था। हत्या की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। वहीं इस मामले में पुलिस का कहना है कि मोहम्मद शुआन को उसके मौसेरे भाई ने ही उसकी हत्या की है। पुलिस को उस पर शक हुआ तो पहले आरोपी पुलिस को गुमराह करता रहा, लेकिन जब सबूतों के आधार पर सख्ती से उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। गोंडा के थाना कोतवाली नगर इलाके में एक तेज रफ्तार ट्रक ने अनियंत्रित होकर कार में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। इस हादसे में कार में बैठे 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर आरोपी ड्राइवर को हिरासत में लिया है। उधम सिंह नगर के सितारगंज इलाके में एक युवक ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। प्रेम प्रसंग के चलते अपने घर में ही कनपट्टी पर गोली मारकर खुदकुशी कर ली। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि गुरप्रीत ने जब खुद को गोली मारी उस समय वो अपने कमरे में अकेला था। शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, तो वहीं पूरे मामले में पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी। बरेली के सीबीगंज थाने में तैनात इंस्पेक्टर को साइबर ठगों ने अपना निशाना बना लिया। साइबर ठग ने इंस्पेक्टर के फेसबुक अकाउंट के जरिए इंस्पेक्टर के बेटे के ऑपरेशन के नाम से फ्रेंड्स और रिलेटिव से पैसे की मांग की, जिसके बाद मामले की जानकारी इंस्पेक्टर को मिली तो उन्होंने साइबर सेल को इस घटना की जानकारी दी। फेसबुक आईडी को ब्लॉक करवाया। साइबर ठग ने इंस्पेक्टर बन उनके दोस्तों और रिश्तेदारों से कहा कि मेरे बेटे का दिल्ली में एक्सीडेंट हो गया, मुझे पैसे की सख्त जरूरत है, और उसने मैसेंजर के जरिए एक अकाउंट नंबर भेजा और जल्द इस अकाउंट नंबर में पैसे ट्रांसफर करने की बात कही। इसके बाद मैसेज रिसीव करने वाले ध्रुव चतुर्वेदी ने इंस्पेक्टर से फोन पर बात की और पूरा घटनाक्रम बताया। तब इंस्पेक्टर हैरान रह गए। उत्तरकाशी में 24 और 25 फरवरी को माउंट ट्रेनिंग समिट कार्यक्रम का आयोजन नेहरू पर्वतारोहण में किया जाएगा। खास बात यह है कि उत्तरकाशी में देश विदेश के पर्वतारोही एक मंच पर साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने विचार साझा करेंगे। आपको बता दें कि उद्घाटन के लिए सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यक्रम प्रस्तावित है।